हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। ये सेंटेंस बोलने के लिए मेरे होठ तरस गए थे। कहते ना कान तरस गए थे कुछ सुनने के लिए, वैसे ही मेरे होठ तरस गए थे। वैसे आप लोग तो मुझसे मिलते रहे हो, बीच बीच में मैं आती रही हूँ, लेकिन मैं काफी दिनों के बाद व्लॉग बना रही हूँ तो मुझे काफी अच्छा लग रहा है। अपने लग रहा है कि मैं अपने स्पेस में आ गई हूँ, वापस से लाइफ जो है बैक ऑन ट्रैक आ गई है। वैसे इन दिनों जब मैंने शूट नहीं किया, व्लॉग नहीं बनाया, तब मैंने एक चीज रियलाइज की कि कुछ चीजें आप शुरू करते हो बस करने के लिए कि हाँ करना है, ये भी करेंगे, ये भी हम कर सकते हैं, पर करते 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 कब वो आपके लाइफ का पार्ट से आपकी लाइफ बन जाती है ना, वो आपको तभी रियलाइज होता है जब कुछ दिनों के लिए आप वो करना बंद कर देते हो। तो वही मुझे रियलाइज हुआ जब मैंने कुछ दिनों से व्लॉग नहीं बनाया, तो मुझे रियलाइज ये हुआ कि कितना ज्यादा मुझे अच्छा लगता है व्लॉग बनाना और कितनी आदत हो गई है मुझे आप लोगों से बातें करना, आप लोगों के लिए वीडियो बनाना। तो ये एक लाइफ का पार्ट हुआ करता था, पर अब लगता है जैसे लाइफ हो चुकी है। तो वही मैं बीच बीच में सोच रही थी, मिस कर रही थी आप लोगों को। एनीवेज चलिए, वापस से आ गई हूँ और अब नहीं होने वाली एब्सेंट। पूरी कोशिश करूंगी कि जैसे रेगुलर व्लॉग्स आते थे वैसे ही आते रहेंगे, क्योंकि अभी काफी चीजें मेरी सॉर्टेड हो गई हैं। तो बताइएगा कमेंट करके पहले तो आप लोग कैसे हो, कैसा रहा आप लोगों का ये दिन और क्या चल रहा है। मुझे पता है पैंडेमिक में अभी सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब है, वैसे बहुत लोगों का मैसेज भी आया था। तो वही है, वो हाल तो हर जगह है, यहाँ पे भी है। यहाँ पे लॉकडाउन नहीं लगा है अभी तक, वो जो नाइट कर्फ्यू था 10 बजे वाला वही है। वैसे काफी ज्यादा खबरें थी कि लग जाएगा लॉकडाउन भी, लेकिन फिलहाल लग रहा है कि ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। तो चलिए देखते हैं कब होता है नहीं होता, जो भी है खुद से प्रिकॉशन से रहना है और वही करते आ रहे हैं एक साल से, अब तो आदत हो चुकी है कि नहीं। और इनकेस आप सोच रहे होंगे कि सोना ये सूट कहाँ से लिया, तो मैंने ऑलरेडी ये मीशो हॉल में आपको दिखा दिया है। ये मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, 3-4 ऐसे सूट हैं जो मुझे बहुत अच्छे लगे और मैं वो फ्रीक्वेंटली पहनूंगी। कुछ कुर्तियां थी तो कुर्तियां तो ठीक है, पर जो सूट होता है ना प्रॉपर दुपट्टा के साथ में और नीचे पजामा, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि ओवरऑल कॉम्बिनेशन अच्छा लगता है। और व्लॉग में ना स्पेशली अगर ऐसे सूट वगैरह पहन के आऊं ना तो मुझे फुर्ती बहुत लगती है। मतलब अगर मैं शॉर्ट्स टी शर्ट्स में आ गई ना तो मुझे बड़ा लेजी लेजी लगता है, फिर मुझे एकदम मन नहीं करता है कुछ भी करने का। पर अगर ऐसे तैयार होकर आ जाइए ना तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर से एनर्जी आ जाती है, ऐसा मुझे लगता है। इन दोनों को मैंने वॉश किया है तो ये जो डार्क कलर वाला था ना ये तो अच्छे से धुल गया है, ऐसा एटलीस्ट लग रहा है, क्योंकि इसमें स्टेन नहीं दिख रहा। वैसे यहाँ पे ऐसे नाखून का दाग आ गया है पर चलेगा। पर जो लाइट कलर वाला था उसमें से इतना ही जा पाया है। तो पहले मैंने इसको गर्म पानी में सोक किया, उसके बाद मैंने इसको डिटॉल में वॉश किया और उसके बाद ये ऐसा दिख रहा है। आई गेस यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर हाँ, जब भी आप लोग यूज करें तो मैं रिकमेंड करूंगी डार्क कलर वाला ही परचेस करिए, इससे क्या ये अच्छा लगता है। लाइट वाला देखिए कितना खराब लग रहा है। इस एक हफ्ते में ना मैंने बड़ा ही अच्छा टाइम टेबल फॉलो किया था, उसको फॉलो करने से ना मुझे पूरा दिन मिलता था अपना काम करने के लिए, या अगर किसी को आराम करना हो तो आराम करने के लिए। तो मैं ना सुबह नाश्ते के साथ में, मतलब मैंने एकदम पावर आर वाला स्टार्ट कर दिया था प्रोसेस कि सुबह उठूंगी 7 बजे, 7 से लेकर 9 बजे तक में मेरा ये टाइमलाइन था कि मुझे सारे काम कर लेने हैं। मतलब सिर्फ नाश्ता ही नहीं, लंच भी बनाना है, राइस छोड़ के, राइस तो गर्मा गर्म, लंच भी बनाना है, नाश्ता भी बनाना है, घर के भी सारे काम करने हैं। तो फटाफट 2 घंटे में सारा काम कर लो, उसके बाद 9 बजे से लेकर के आपको शाम तक में करने के लिए कुछ नहीं है। बीच में बस एक बार जाके राइस बनाना है और फिर सब्जी गर्म करके, खाना गर्म करके खा लेना है। उसके बाद शाम को अगर चाय बनाएंगे, उसके बाद रात में हम दोनों मिलके कुछ बनाते थे, वो भी थोड़ा सा मतलब स्पेशल काइंड का, कि ठीक है दिन में ऐसा बना रहे हैं तो रात को कुछ अच्छा बनाएंगे। तो एक दो तो मैंने फोटोज भी डाले थे इंस्टा वगैरह पर, जैसे एक दिन रवा इडली बनाया था, एक दिन पनीर चिकन को हमने जैसे तंदूर किया था, मतलब जुगाड़ वाला घर पे। तो वैसे जो भी बनाना है वो रात में बनाएंगे और बाकी दिन भर जो वैसे करेंगे। तो बड़े अच्छे से स्मूथली ना पूरा टाइम भी मिलता था और काम भी हो गया। मैं ये रूटीन जो है नहीं फॉलो कर सकती हूँ एवरीडे बेसिस पे, पर आप लोग कर सकते हैं जो लोग बस दिन भर चाहते हो कि खुद के समय मिले, गर्मी लग रही है तो क्या करें, तो ये बेस्ट तरीका होता है समर के लिए। मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मैं व्लॉग बनाती हूँ। तो मैं अगर ऐसे सुबह सुबह ही घर का सारा काम कर लूंगी तो मैं व्लॉग में आपको क्या बताऊंगी, क्या दिखाऊंगी, क्योंकि मुझे तो रेसिपी भी दिखानी होती है। पर जब सुबह से पावर आर में काम करते हो तो आप 4 हाथ लेके काम करते हो ना, तो यहाँ पे ये काटा वहां पे वो डाला, उसमें व्लॉग नहीं शूट हो सकता है। तो मुझे तो है कि नहीं, ठीक है जैसे रूटीन चल रहा है वैसे वैसे ही सब काम करूं ताकि व्लॉग बनाऊं। पर जिनको व्लॉग नहीं बनाना है, खुद के लिए करना है, तो मुझे लगता है बड़ा ही अच्छा तरीका है। दिन भर अपना काम करिए, मत करिए तो आराम करिए, सुबह सुबह एकदम फुर्ती भी रहती है, गर्मी भी नहीं लगती और सारा काम हो जाता है। और रात को ठीक है कोई दिक्कत नहीं, आराम से फैमिली की भी आप हेल्प लेके काम कर सकते हो, उनका भी फ्री टाइम होता है। तो वैसा मैंने फॉलो किया, बड़ा ही अच्छा लगा। पर आज से अब नॉर्मल रूटीन है, व्लॉग भी बनेगा और हर काम टाइम पे होगा। चलिए
मैं बना रही हूँ भिंडी की रस वाली सब्जी, उसमें आलू भी यूज होगा। तो मैंने यहाँ पे एक बड़ा आलू और एक थोड़ा सा छोटा आलू को कट कर लिया है, और जो भिंडी है ना उसको रैंडमली कट कर लेना है, तो इस साइज में मैंने कट कर लिया है। और साथ में लिया है अनियन, ग्रीन चिली और थोड़ा सा यहाँ पे लिया है लहसुन। ग्रीन चिली को स्लिट कर लिया है, वरना कई बार क्या होता है कि पता ही नहीं चलता कौन सा भिंडी है और कौन सा ग्रीन चिली है। तो इससे रस वाली सब्जी बनेगी जो राइस और दाल में खाने में अच्छी लगती है। ये सब्जी कुकर में ही बन जाएगी, तो मैंने इसमें डाल दिया है थोड़ा सा ऑयल और यहाँ पे मैंने दाल बना लिया है। भिंडी की सब्जी को टेस्टी बनाने के लिए मेरे पास बहुत ही एक अच्छा सा इजी सा हैक है, जो आप जरूर ट्राई करिए। चाहे आप बना रहे हो भरवा भिंडी, या फिर बना रहे हो भिंडी का मसाला जो बनता है मसाला भिंडी, या फिर भिंडी की ऐसी सब्जी बना रहे हो, सब कुछ करने के बाद में कोरिएंडर पाउडर, जीरा पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर डाल दीजिए, और लास्ट में आपको डाल देना है अचार। जो भी अचार आपके पास में हो, मेरे पास यहाँ पे आम का अचार है, तो थोड़ा सा जो इसका अचार का मसाला है वो हम भिंडी में डाल देंगे और लास्ट में उसको प्रेशर कुक कर लेंगे। अगर आप बना रहे हैं फ्राई भिंडी तो भी आप इसका एक थोड़ा चम्मच डाल दीजिए, और इतना स्वाद हो जाता है ना भिंडी में, वो अचारी भिंडी बन जाता है एक्चुअली, तो बहुत अच्छा लगता है। और ज्यादातर अच्छा लगता है फ्राई भिंडी पे, पर मैं इसमें भी डालती हूँ तो एक अच्छा सा खट्टा सा फ्लेवर आएगा। और अंदर तो उतना अचार खाते नहीं है, पर लकीली सब्जी में अगर मैं डालूं तो वो खा लेते हैं, फिर कोई दिक्कत नहीं होती है। तो मैं ये डालने जा रही हूँ, थोड़ा सा ही डालेंगे, ज्यादा नहीं, ऐसे एक छोटा चम्मच, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। घर का बना अचार हो तो और भी अच्छा, मेरे पास नहीं है, मैं वो मदर्स रेसिपी का अचार लाती हूँ, तो आम का अचार है एक्चुअली। चलिए अब इसको लगा देते हैं सीटी। इसी के साथ मेरा लंच हो गया है तैयार, दाल बन गया, राइस ऑलमोस्ट पे है, सब्जी चढ़ा दी मैंने प्रेशर कुक करने के लिए, तो हो गया। पर इतनी गर्मी लग रही है ना, मतलब फैन तो मैंने लगाया पर फैन तो ऑन कर नहीं सकते, कटिंग चॉपिंग तक तो मैं ऑन कर लेती हूँ, उसके बाद नहीं। इसलिए अगर कोई अपना घर बनवा रहा है तो फैन किचन में जरूर लगवाइएगा, कटिंग चॉपिंग में, आटा गूंदने में, सफाई में, ये सब में बहुत आराम हो जाता है। और खाना बनाते वक्त तो नहीं ऑन कर सकते। किचन से डाइनिंग कितना नजदीक है, मुश्किल से होगा 4 फीट जैसा, 4 फीट में ही टेम्परेचर में इतना ज्यादा डिफरेंस है ना, वहां से जैसे यहाँ पे आइए ना वैसे लगता है कि कितना ज्यादा यहाँ पे ठंड है, वहां पे इतनी गर्मी है। जबकि चिमनी में ऑन रखती हूँ, मतलब व्लॉग के टाइम पे नहीं, मैं सिर्फ खाना पकाते वक्त, तो चिमनी रहता है तो फिर थोड़ा सा आराम रहता है, पर फिर भी पूरा धुआं धुआं भर जाता है, तो उसकी गर्मी बहुत होती है। स्पेशली जब रोटी बनाई है तो गर्मी में क्या हाल होता है। नहीं, आज दोपहर में सोच रही हूँ अपने सारे ही कबर्ड को ऑर्गेनाइज करूं, इस एक हफ्ते में मैंने कबर्ड वगैरह पे तो ध्यान भी दिया नहीं है, और कपड़े तो है ही इधर उधर, कपड़ों से भी ज्यादा ना मेरे ज्वेलरी इधर उधर हो जाते हैं, सब कुछ इधर फैले हुए हैं। मैं रोज इयररिंग्स चेंज करती हूँ, क्योंकि मैं रियल वाला नहीं पहनती हूँ, आपने मुझे बहुत ही रेयर देखा होगा कि मैं गोल्ड पहनती हूँ, मैं गोल्ड पहनती नहीं हूँ एक्चुअली। एक रिंग पहनती थी इधर से, वो भी खोल दिया गर्मी में ना, बहुत इरिटेशन हो रही थी मुझे। अंगद की मीटिंग है अभी, कह रहा है 1 से 1.5 है, फिर 1.5 से 2.5 है, तो मतलब लंच टाइम नहीं मिलने वाला है, तो लंच का करना है तो मीटिंग के साथ ही करना पड़ेगा, तो कई बार ऐसा हो जाता है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, अगर मीटिंग ही है ही तो अभी मैं परोस देती हूँ, क्योंकि मुझे लग गई है भूख, खाना हो गया है रेडी, तो फिर लेट क्यों करने का, गर्मा गर्म खा लो और मीटिंग सुनते सुनते खा लो, कुछ भूलना रहा तो अलग बात है। लंच तो खा लिया, अब बारी है समर स्पेशल की। समर में अगर कुछ ठंडा ठंडा ना मिले तो कैसे चलेगा, टन टन कस्टर्ड, एकदम ही ठंडा चिल्ड।
ये मैंने कल ही रात को बनाया था, थोड़ा कल खाया और अब मैं खाने जा रही हूँ। अंगद नहीं खा रहे हैं, अंगद कह रहे हैं मैं मीटिंग के बाद ही खाऊंगा आराम से, तो मैं थोड़ा ले लेती हूँ। वैसे अभी ये खाना खाते खाते मेरे दिमाग में एक ख्याल आया, तो मैंने सोचा आपसे शेयर करती हूँ। तो खाना था गर्म और माहौल भी है गर्म, क्योंकि है गर्मी का मौसम, तो मैंने सोचा कि यही गर्म खाना सर्दियों में कितनी बड़ी लग्जरी लगती है, राइट? कितना इत्मीनान से सुकून से खाते हो आप जब एक गर्म गर्म खाना आपके सामने सर्दियों में परोसा जाए तो। पर वही खाना अगर गर्मी में हो गर्म तो मजा नहीं आता है। तो कैसे इस चीज में तालमेल बिठाया जाए? अब गर्मी तो कंट्रोल करना हमारे हाथ में नहीं है, अब एसी तो हर कोई डाइनिंग टेबल पे लगा नहीं सकता, मतलब कि हमारे आसपास की जो भी परिस्थिति है उससे अनुकूल बनाना हम सबके बस की बात तो है नहीं। तो फिर कैसे उसी परिस्थिति में उसी गर्म खाने को गर्मी में एंजॉय किया जाए, ये मैं सोचने लगी। तो मुझे एक दो तरीके दिखे। या तो ये कर सकते हैं कि खाना गर्म गर्म ही कोस कोस के खा लिया जाए कि अरे बड़ी गर्मी है, बड़ी गर्मी है, इतनी मेहनत से बनाया वो सब भूल जाए और कोस कोस के खा ले, फटाफट में खा ले, एंजॉय ना करे, जल्दी खाना खत्म हो जाए और जाकर के नीचे आराम से एसी में बैठ जाया जाए। या तो फिर इसे एंजॉय करके खाया जाए, गर्मी का मन मार के खाया जाए कि चलो कोई नहीं, यही तो है, सबको गर्मी लग रही है, मुझे लग रही है तो क्या बड़ी बात हो गई। या फिर थोड़ा दिमाग लगाया जाए और तालमेल बिठाया जाए खाने में कि चलो राइस और दाल को हम ठंडा रखते हैं, सब्जी गर्म करके खा लेते हैं, तो क्या होगा, दो चीजें ठंडी है एक गर्म है, तो तालमेल बैठ गया तो उतनी गर्मी ना लगे। या फिर ऐसा कर सकते हैं कि सब कुछ ठंडा खा लिया, पर सब कुछ ठंडा अगर खा लेंगे तो हमारे जो वो अंदर में जो वो फीलिंग आती है कि खाना तो गर्मा गर्म ही परोसना चाहिए, फिर उसमें तो पानी फिर जाएगा। अब सब लोग तो इतनी प्रिविलेज है नहीं कि जाए बेडरूम में एसी चलाए जाकर बैठ के खा जाए, क्योंकि भैया साफ तो खुद को ही करना है, तो मतलब कि आप इतनी आसानी से अपनी परिस्थिति बदल नहीं सकते जबकि वो दो कदम दूर है, खाना आपको डाइनिंग टेबल पे ही पड़ेगा, गर्मी के साथ पड़ेगा, तो तालमेल सिर्फ और सिर्फ आपकी थाली में आप बिठा सकते हैं या अपने मन के अंदर। तो इसीलिए मैं जो ये कह रही हूँ ये कुछ लोग के पल्ले पड़ेगा, कुछ के पल्ले नहीं पड़ेगा। तो मैंने क्या डिसाइड किया, मैंने ये डिसाइड किया कि मैं थोड़ा सा रुक जाती हूँ, टेम्परेचर थोड़ा सा नॉर्मल होने देती हूँ, हर एक चीज का बराबर, किसी को ज्यादा ठंडा ज्यादा गर्म करने की जरूरत नहीं। और जब सब इक्वल टेम्परेचर पे आ जाए ना, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, पर जब सब इक्वल में आ जाए और मैं भी थोड़ी सी ठंडी हो जाऊं पंखे के नीचे, वो किचन से निकली हुई गर्मी ना हो मेरे अंदर, शांत हो जाऊं, तब मैं अगर इस खाना को खाऊं ना तो बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन बैठेगा। तो जो मेरी मेहनत है उसको मैं एंजॉय भी कर पाऊंगी बिना अपने आसपास के माहौल को कोसे हुए। तो मैंने वही किया, थोड़ा वेट किया, खाना थोड़ा ठंडा हो गया इक्वली और मैंने इत्मीनान से बैठ के मैं खा गई। और खाते वक्त ही मैं ये सोचने लगी कि अगर मैं अभी ये खाना खा लेती हूँ उसके बाद जो मुझे मीठा मीठा ठंडा ठंडा फल मिलेगा ना, वो खाने में तो बड़ा मजा आएगा। उसको सोच सोच के खाया इत्मीनान से स्माइल के साथ और अब देखिए मीठा मीठा ठंडा कस्टर्ड एंजॉय कर रही हूँ। तो आपको नहीं लगता कि लाइफ भी हमारी ऐसी ही है? वैसे जो लोग समझे होंगे वो तो कुछ समझे होंगे, पर जो नहीं समझे होंगे वो सोच रहे होंगे कि छोना क्या ये आज गरम ठंडे गरम ठंडे, ये क्या बोल रही है, क्या मतलब इन सब का। पर जो समझे हैं वो मुझे बताइएगा कि बात सही है या नहीं। तो हम अपने आसपास की परिस्थिति को अपने अनुकूल कर ले ये तो होने वाला है नहीं, ये तो भैया नसीब वालों की बात है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम अपने लिए अपने हद में रह के अपने दायरे में जो चीजें हम कर सकते हैं हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं और वो बिल्कुल पॉसिबल है। उसके लिए आपको किसी भी चीज पे डिपेंड होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बाकी चीजें तो लगी रहेगी, सब कुछ आपके फेवर में हो ऐसा हो सकता है क्या? कुछ ना कुछ तो चलता ही रहेगा, लाइफ ही ऐसी है। आज पैंडेमिक है, आज सिचुएशन है ऐसा है, इसलिए नहीं, हमेशा ये कुछ ना कुछ चलता ही रहेगा। और इसी पे बेस्ड एक मैंने शेर पढ़ा था कुछ टाइम पहले और मुझे वो बहुत अच्छा लगा। वो शेर में था कि हमने जाकर देख लिया है हदे नजर के पार भी, हमने जाकर देख लिया है हदे नजर के पार भी, रह गुजर ही रह गुजर है रह गुजर के बाद भी। तो ये तो चलता ही रहेगा। तो आप जो अपने लेवल पे कर सकते हैं अपने लिए अपनी खुशी के लिए उस पे ध्यान दीजिए, बाकी सब ठीक हो जाएगा। चलिए मैं इसे एंजॉय करती हूँ, इतनी मेहनत के बाद ठंडा ठंडा खाने का तो मजा ही कुछ और है। शाम के बज रहे हैं 4 और ये बाहर का मौसम देखिए, ऐसा लग रहा है ना मानो बारिश होगी थोड़े टाइम पे, पूरा वाइट बादल है और एक पत्ता भी आपको हिलता हुआ नजर नहीं आएगा। आजकल बैंगलोर का मौसम ना ऐसा ही हो रखा है। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं मिसिंग प्लांट्स, वो प्लांट्स एक्चुअली मैंने नीचे उतार दिया है। वो प्लांट्स में से एक प्लांट था ना
वो गिर के हमारे पड़ोसी के नीचे बैल्कनी में चला गया था। उनकी बैल्कनी जो है ना वो इतनी नहीं है, एक्सटेंडेड है थोड़ी सी, क्योंकि पोडियम में रहते हैं ना, तो वो वहां पे गिर गया था। तो मैंने उसके नीचे वाला भी ही हटा दिया है। थोड़ा सा इसका कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा, वरना जब बहुत तेज आंधी आती है ना तो ये एक दो गिरने लगे हैं। देखते हैं कुछ करेंगे, पर फिलहाल तो मुझे लग नहीं रहा आंधी आने वाली है। ऐसा ही सब कुछ गुम है बिल्कुल। मौसम भी उदास है और हमारे फल भी। यहाँ पे देखिए क्या हाल हुआ है चीकू का। ये एक्चुअली आए तो ठीक ही थे, पर इसे जोर से पटक देने की वजह से ज़मीन पे ऐसा हाल हुआ है, गिर गया था एक्चुअली। तो इसमें से दो तीन तो ठीक हैं, ये दोनों ख़राब हो गए हैं। देखती हूँ, सोच रही हूँ कस्टर्ड जो बनाया है ना उसमें ये चीकू ऐड कर दूंगी तो बहुत अच्छा टेस्ट आएगा, और ये बनाना वगैरह भी ख़त्म करना ही पड़ेगा। और ये बिल्कुल भी पका हुआ नहीं लग रहा है, ये लग रहा है खट्टा होगा, और ये सब कुछ ज्यादा ही पक गए हैं। इस सूट पे ये हेयर बैंड बिल्कुल भी सूट नहीं कर रहा ना, मुझे पता है, लेकिन अच्छा लगता है कभी कभी पहनने में, स्पेशली अगर हेयर आपको टाई करने का मन ना करे ना, तो बड़ा अच्छा ऑल्टरनेटिव है। जिस दिन शैम्पू करिए उस दिन खास करके, क्योंकि बाल बहुत ज्यादा फ्रीजी तो नहीं बोलूंगी, सॉफ्ट ही है वैसे तो, पर बहुत ज्यादा घने से लगते हैं। वो बस एक दिन की ही चांदनी रहती है, नेक्स्ट डे होते होते थोड़ा सा ऑयली हो जाएगा और फिर मेरे बाल चिपचिपे हो जाते हैं। पर जिस दिन शैम्पू करिए ना उस दिन ऐसे खुले खुले से रहते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, मन करता है सामने से हवा चले और बाल खूब इस तरीके से उड़े, है ना। उसके बाद नहीं उड़ने वाले नेक्स्ट डे से। एनीवेज तो उसमें अगर बाल ना बांधू तो ये सबसे अच्छा तरीका लगता है। वैसे हेयर बैंड से मुझे याद आया कि अब आप सोचिए तो ये हेयर बैंड कितनी ज्यादा फैशन में आ चुके हैं। मैं जब भी अपना इंस्टाग्राम खोलती हूँ ना, शायद एक दो बार पहले सर्च किया हो इसलिए या जो भी, मुझे इतने सारे शॉप्स मिलते हैं जहाँ पे हेयर बैंड्स वगैरह मिलते रहते हैं, और प्राइस जब मैं देखती हूँ तो बस क्लिक करके छोड़ देती हूँ। तो ऑनलाइन तो छोड़िए, ऑफलाइन अगर आप देखेंगे, मैंने मॉल में देखा था तो ये हेयर बैंड्स 2,500-3,000 के भी मिल रहे हैं। और होता कुछ नहीं है, ये तो कपड़ा ही है, किसी किसी में कुछ बीट्स लगा रहेगा, किसी में कुछ और डिजाइन रहेगा, जो भी है, पर 2,500-3,000 तक भी जाते हैं और लोग लेते हैं। और ये ना एक्चुअली बहुत ही पुराना फैशन है जो बीच में थोड़ा सा कम हो गया था। 80s और 90s में आप देखोगे ना तो ऐसे पिक्चर्स में भी आपको दिखेगा, और पहले ये लोग पहनते भी थे। हेयरबैंड बहुत चलता था, रेखा ने भी बहुत फेमस किया था हेयरबैंड को, वो हेयरबैंड पहनती थी, ऐसा कुछ कुछ मूवीज मैंने देखा है। फिर बीच में उसका क्रेज थोड़ा कम हो गया और अब अचानक से पिछले 1-1.5 साल में इसका क्रेज फिर से बढ़ गया है। काफी लोग आपको दिखेंगे पहनते हुए, इंक्लूडिंग मी। ये कितना बड़े साइज का वाटरमेलन है, कल से आया हुआ है, आज सोच रही हूँ इसे काट ही लिया जाए और जूस बनाऊंगी सबसे पहले तो। पर ये इतना बड़ा कैमरे पे दिख रहा है ना, उससे कई गुना ज्यादा बड़ा है। आप ये देखो, इस कैची से मैं दिखाती हूँ, ये कैची कितनी छोटी सी लग रही है इसके सामने, जबकि ये बहुत बड़ी कैची है। पता नहीं ये कैसा मेजरमेंट था, एनीवेज जो भी, पर हाँ ये बहुत ही बड़ा है। तो मैं सोच रही हूँ इसे शायद ना, ये इसे खरबूजा बोलते हैं शायद, ये तरबूज नहीं है, ये खरबूजा है। दो अलग अलग होते हैं ना, डार्क वाले एक लाइट वाला। तो इसका पहले बनाऊंगी जूस, अभी नहीं, 1-1.5 घंटे के बाद, और बाकी जो है वो ऐसे ही खा लूंगी। तो इसे उठाना भी मुश्किल है, बाहर निकाल के रख रही हूँ ताकि याद रहे जूस बनाना। ये जो आप देख रहे हैं ना ये लाइन, ये यहाँ पे एक्चुअली ये पूरा ही सॉस पैन के नीचे में ना कॉपर की एक परत थी, वैसा मतलब कलर था, एटलीस्ट कॉपर था कि नहीं वो तो नहीं पता, पर यहाँ पे कॉपर की पूरी परत हुआ करती थी जो डिशवॉशर में धो धो करके खराब हो चुकी है। बर्तन तो काफी अच्छे से क्लीन हो जाते हैं, चाय वाला भी आप देख लीजिए, पर नीचे वो पूरा ही कलर चला गया है और लास्ट की एक लाइन रह गई है जो बताती है कि कभी यहाँ पे वो कलर हुआ करता था। तो ये ऑल थैंक्स टू डिशवॉशर। कल से लेकर के 3 दिनों तक मैं शायद, हाँ मोस्टली 3 दिनों तक के लिए, अंगद को ऑफिस जाना है, ऑफिस का काम है, और अभी ही फिर से केसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं और अभी ही काम आ गया है। तो ये तो चलता ही रहता है कि जब ज्यादा आप चाहते हो कि ऐसा ना हो तभी कुछ ऐसा होता है। तो अभी केसेस इतने हैं कि बड़ा ही टेंशन होता रहता है, रोज सुनने में आता है, क्योंकि बैंगलोर में ना बहुत टाइम से केसेस कम थे, फिर अचानक से बढ़ने स्टार्ट हुए हैं और अभी काफी ज्यादा आने लगे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि पुराने ट्रैक पे फिर से सब कुछ जा रहा है, फिर से बढ़ता जा रहा है, तो ऐसे में ज्यादा प्रिकॉशन की जरूरत है। और ठीक इसी टाइम पे ऑफिस जाने का काम आ गया, तो वो तो जाना ही पड़ेगा, कुछ कर नहीं सकते हैं। तो अंगद कह रहे कि 3 दिन मतलब ये वीक में तो जाना ही पड़ेगा, तो कल से वो जाएंगे और मैं वही करूंगी कि जैसे पहले किया करती थी, खाना जो है वो घर से बना के दे दूंगी लंच, और वहां पे वो खा लेंगे। वैसे ऑफिस में भी खाना मिलता है, पहले बीच में तो बिल्कुल ही बंद हो गया था, उसके बाद खाने का उन लोगों ने स्टार्ट कर दिया, पर वो नहीं करेंगे, प्रिकॉशन लेंगे घर से ही। तो सुबह सुबह जैसे मैं फिलहाल कर रही थी वैसा ही कुछ करूंगी, उनके लिए लंच बना करके दे दूंगी, सिर्फ उनके लिए मैं अपना देख लूंगी, कुछ और जुगाड़ करूंगी।
तो वही है, थोड़ा सा तो टेंशन रहता है, पर क्या करें, ऐसे ही रहना है, प्रिकॉशन ले करके चलना है। उससे भी ज्यादा मुझे टेंशन होती है कि अंगद पूरा दिन जब काम करेगा तो चश्मे भी लगाने हैं, मास्क भी लगाना है, गर्मी भी हो रही होती है और लैब में काम करना रहता है, तो वो बहुत ही परेशानी हो जाती है। जो लोग चश्मे पहनेंगे उनको पता रहता है कि वो स्टीम आने के, वो वेपर आने की वजह से ना कुछ दिखता नहीं होता है, और चश्मा पहनना जरूरी है, वरना आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपने कुछ और छुआ और कब आपने आंख छू लिया। तो अंकल चश्मा और मास्क दोनों ही लगा करके रखते हैं, जो करना है वो तो करना ही है, टेंशन लेके फायदा क्या है, अपना सोचते रहना है कि सब सही रहेगा। तो वही है फिलहाल, चलिए आज का व्लॉग मैं यहीं तक रखती हूँ और आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा हो मेरे साथ ये दिन बिता करके। मुझे तो बड़ा अच्छा लगा और ऐसे ही अब रोज व्लॉग आते ही रहेंगे जैसे पहले आया करते थे। और अंकद आज व्लॉग में नहीं आए हैं, बहुत ही बिजी थे और अभी थोड़ा सा रेस्ट कर रहे, तो मैं भी उनको ऐसे फोर्स नहीं कर रही हूँ कि आओ आओ, क्योंकि पड़ता है कल से फिर ऑफिस जाना है, तो वो भी थोड़ा सा टेंशन तो होगा ही। एनीवेज जो भी है चलता रहेगा, ये सब तो कुछ कर नहीं सकते। मैं मिलती हूँ आपसे कल, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए और हमारे वीडियोज को देखते रहिए। बाय बाय।